आज से एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। ओबीसी आरक्षण और खाद समस्या पर हंगामे के भी आसार। 24 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। तो ये बड़ी जानकारी, ओबीसी आरक्षण और खाद के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और यही वजह है कि ये सत्र हंगामेदार हो सकता है। आपको बता दें कि सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पे सभी विधायकों की बैठक ली। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी सभी विधायकों के साथ बैठक ली और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई कि आखिर आने वाले समय में किस तरह की रणनीति बने, वो क्या कुछ सवाल होंगे जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। तो वहीं सरकार भी विपक्ष के सभी सवाल के जवाब देने को तैयार है। तो आज से एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है विपक्ष। ओबीसी आरक्षण और खाद की समस्या पर हंगामे के आसार। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, ये बड़ी जानकारी। आज से एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 24 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा और इसमें कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को विपक्ष उठाएगा और सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने को तैयार है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना फोन लाइन पर बने हुए हैं। कुलभूषण, वो क्या मुद्दे रहेंगे जिस मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है? देखिए, अगर बात करें तो आज से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। 5 दिन से यह पूरा सत्र है। आज हालांकि दिवंगत नेता और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद जो है विधानसभा कल तक के लिए स्थगित की जाएगी। वहीं अगर बात करें मुद्दों की तो कांग्रेस जो है ओबीसी परिसीमन आरक्षण सहित महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को जो इस समय खाद बीज की समस्या है, ऐसे तमाम मुद्दों को जो है उठाती हुई नजर आएगी। और वहीं सरकार जो है इसका पुरजोर तरीके से जवाब देगी। वहीं बात करें तो कल दोनों ही दलों की विधायक दल की बैठक थी और इस बैठक में रणनीति बनाई गई है। तो कह सकते हैं कि बेहद ही महत्वपूर्ण जो है ये सत्र होने वाला है। कुलभूषण, इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि जो बैठक हुई सर्वदलीय, उसमें कहा गया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सभी सवालों के जवाब देने को तैयार हैं और ये रणनीति भी बनाई गई कि आखिर वो क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठाया जाएगा वो मुद्दा क्या हो सकता है? देखिए, वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है पंचायत चुनाव को लेके, आरक्षण ओबीसी आरक्षण सीटों में जो है इलेक्शन नहीं होंगे, इसको लेकर जो है सरकार ने कल रणनीति बनाई है। भूपेंद्र सिंह के निवास में भी बैठक हुई थी और इसी मुद्दे के साथ जो है सरकार के विधायक मंत्री कांग्रेस से जो है सवाल जवाब करते हुए नजर आएंगे। तो इस पूरी विधानसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि काफी हंगामेदार ये सत्र हो सकता है और इसके साथ ही इस सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। ठीक, कुलभूषण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।